अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू हो रहा है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सबको ही नज़ला, बुखार, खांसी हो रहा है। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो कल हम लोग गए थे दो जगह पे। पहले हम लोग गए थे जरीर, उसके बाद हम लोग गए थे बलद। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं बलद क्यों गई थी। यहाँ पर आपको एक स्टॉल सामने नज़र आ रहा होगा, ये अबाया है डिफरेंट कलर्स में एंड डिफरेंट स्टफ़ में, डिफरेंट स्टाइल्स में। आजकल बहुत ट्रेंड है डिफरेंट स्टाइल्स एंड कलरिंग अबाया का। और इधर से यहाँ पर थोड़े से रग भी रखे हुए हैं, सॉरी फुट मैट हैंगे और स्कार्फ्स रखे हुए हैं। ये छोटा सा स्टॉल्स लगाया हुआ था औरतें। और इधर डिफरेंट ब्रांड हैं, आपको इधर परफ्यूम शॉप भी नज़र आएगी, एक और लेडीज़ शॉप भी है, उसमें पर्सनल केयर के आपको प्रोडक्ट्स हैं इसमें। खैर, मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, बस दूर से आप देखेंगे। एंड एक और मिकैजी भी है जो कि ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। और अब चलते हैं जनाब हम जरीर बुक स्टोर। जरीर ये स्टेशनरी है, इधर आपका मोबाइल, लैपटॉप्स एंड ऑल स्टेशनरी एसेसरीज अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ लेना था अपनी बेटी के लिए, तो मैं इसलिए ज़्यादा उसको कैप्चर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। चलें पहले मैं आपको दिखाती हूँ लैपटॉप्स एंड इसके एसेसरीज एंड बैग्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। मैक के भी, एप्पल जॉन से एप्पल के भी लैपटॉप्स हैं, बहुत अच्छे और स्लिम से, बड़े अच्छा लगा मुझे। तो ये आप देखें, और इन्होंने डिस्काउंट पर लगाया हुआ था, जो कि पहले 6000 का मिल रहा था, वो आपको अब 4000 तक मतलब मिलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स पड़े हुए थे, मोबाइल्स वगैरह भी थे, लैपटॉप्स भी थे एंड एप्पल वॉचेस वगैरह भी हैं डिफरेंट। और वीवो और लिनोवा एंड हवावे, सैमसंग, सब के मतलब मोबाइल्स वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आ जाऊँ ना आपको फिर कभी डिटेल में मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा ही बस ऐसे कैप्चर किया था। उसके बाद काफ़ी बड़ा स्टोर है और हर स्टेशनरी कम्प्लीट आपको इस पर मिलती है, आप सब चीज़ें होती हैं। ये हैं जनाब मैक के, सॉरी एप्पल के मोबाइल्स, ये एप्पल प्रो मैक्स 13, इसमें 3 कैमराज हैं एंड बैक 3 कैमरे हैं इसके। अच्छा लगा मुझे काफ़ी, और इसके प्राइसेस भी काफ़ी हाई थे, मैक्सिमम 5000, 6000, 4000 तक, ऐसे डिफरेंट प्राइसेस थे। आईफोन 13 प्रो भी था और प्रो मैक्स भी था। फीचर्स तो खैर सबके सेम ही हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। ये एप्पल वॉच, ये काफ़ी, ये भी मुझे अच्छी लगी, इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। आजकल ट्रेंड भी है, लोग मोबाइल भी होता है साथ और आपकी एप्पल वॉच भी होती है साथ। ये एयरपॉड्स हैं, ये भी एप्पल की ही हैं, एप्पल ये मोबाइल्स हैं सब। ये आईफोन 12, ये एप्पल लैपटॉप। देखिए इसके फीचर्स सेम है, लेकिन लैपटॉप तो फिर लैपटॉप होता है, उसके फंक्शंस और होते हैं। वैसे काफ़ी फीचर्स जो होते हैं वो मोबाइल जैसे ही हैं, क्योंकि एप्पल का मोबाइल, एप्पल का ही लैपटॉप, तो कुछ सेम भी होता है, लेकिन लैपटॉप की अपनी बात होती है। इंशाल्लाह मैं देख रही थी कि मुझे भी लैपटॉप लेना है, तो अब नेक्स्ट जब भी लैपटॉप लूँगी तो मैं एप्पल का ही लूँगी। ये इनकी मैक प्रो बुक, ये भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं। ये इनके लैपटॉप्स के एसेसरीज़ हैं, लैपटॉप बैग्स एंड ऑफिस फाइल्स वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूड था। और इधर ये ऑफिस चेयर्स हैं। चलें जनाब आप हम चलते हैं ऊपर। ऊपर कंप्लीट आपको स्टेशनरी मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उधर जॉन से बच्चों के टॉयज़ भी होते हैं एंड बच्चों के लर्निंग एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, और डिफरेंट होती हैं कि आप हर तरीके से भी अपने तरीके से बच्चों को आप लर्न कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिकल करके इंसान बताए तो ज़्यादा बच्चों को जल्दी समझ में आता है। एक्चुअली मुझे यहाँ से लेना था अपनी बेटी के लिए अल्फ़ाबेट्स, वुडन ट्रे ही है ये किस्म का, और इसमें जो है ना उन्होंने अल्फ़ाबेट्स जिस जैसे भी हैं उसकी उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, और उसके अंदर जो है ना वो फिक्स हो जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वन काउंटिंग की भी रखी हुई थी एंड अलिफ बे की भी रखी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। बाद में मैंने कहा फिर उसके लिए दूसरी ले लेंगे।
तो इधर आप कंप्लीट आपको जो है ना स्टेशनरी मिलेगी, जिसमें आपको बच्चों के कोर्स की बुक्स भी होती हैं एंड डाइजेस्ट भी होते हैं, नॉवेल्स भी होते हैं, स्टोरी बुक्स भी होती हैं, कलरिंग पेंसिल्स सब कुछ, बच्चों के टॉयज एंड इस्लामिक बुक्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं, ये इंग्लिश में भी होती हैं और अरेबिक में भी होती हैं, मोस्टली अरेबिक में होती हैं। ड्राइंग बुक्स जितनी भी आप बुक्स देखेंगे ना वो मोस्टली अरेबिक में होती हैं। हाँ, जो कोर्स की बुक्स होती हैं वो उसी हिसाब से होती हैं, आपको साइंस की, मेडिकल की एंड हिस्ट्री और डिक्शनरीज, इस्लामिक बुक्स, कुरान पाक, बहुत बहुत वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक कोई मतलब मुझे पोइट्री बुक्स ही लग रही थी, क्योंकि ये अरेबिक में थी हैं, तो इसलिए मैंने खोल के उनको चेक नहीं किया। ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं, ये सब देखें आप, ये हैवानात एंड ये सब ये अरेबिक हैं, ये इस्लामिक बुक्स हैं और इसमें कुछ कुरान पाक भी हैं और कुछ इस्लामिक बुक्स भी हैं, वो भी अरेबिक में ही, इस्लामिक बुक्स सब अरेबिक में हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसकी, और मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी ना वो ये थी कि मतलब यहाँ पर ना बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी हर चीज़, और मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह वो चीज़ें भी हैं। तो बस इधर से हमने ये कैश कराया था, कैश करा के तो फिर हम लोग चले गए थे जनाब बलद में गई थी गोल्ड मार्केट, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। और रुहाब जो हैं बहुत हैप्पी थी कि वो अपना जो है अल्फ़ाबेट्स हैं वो लेकर आ रही हैं, बहुत हैप्पी हैं, हैप्पी मूड में है। बाबा ने कहा मुझे दे दो मैं पकड़ लेता हूँ, तो उन बाबा को नहीं दे रही कि मैं ही पकड़ूँगी, आप ना पकड़ें। चलें जनाब अब चलते हैं बलद, सेम वही अल गज़ली आपकी राडो दसी। मैंने डिटेल में बनाना था लेकिन यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इस वजह से बहुत सारी शॉप्स जो थी गोल्ड मार्केट की वो बंद थी, तो इसलिए मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं बना सकी, आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो वादा मैंने आपसे किया वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी, एक दिन मैं आपको गोल्ड मार्केट ज़रूर विज़िट कराऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आप सब से एंड लेडीज़ से जिनका गोल्ड तो खैर सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने बनाया तो आप लोग गोल्ड भी इंजॉय करें एंड मैं बताऊँगी भी सी कि मैंने क्या लिया था यहाँ से। तो पहले आप गोल्ड एंजॉय करें फिर मैं बताऊंगी। कि सामने आपको जो है ना डिफरेंट इयररिंग्स और चैने वगैरह के नीचे लॉकेट्स रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत प्यारे डिज़ाइन रखे हुए हैं, नेम्स में भी हैं एंड डिफरेंट मतलब जैसे हर किसी जिसको जैसे अच्छा लगे, हर स्टाइल मतलब हर डिज़ाइन में आपको लॉकेट्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो देख के खुश हो जाता है दिल। यहाँ पर ये कुछ बैंगल्स हैं एंड ये कड़े रखे हुए हैं, ब्रेसलेट्स भी थे, ये चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स सेट्स हैं, पूरे सेट भी ले सकते हैं आप, और या दो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो जो मैं लेने आई थी मुझे यहाँ पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा चलें फिर किसी और शॉप पर चलते हैं, या मैं आपको किसी और शॉप पे लेके चलती हूँ। इधर भी आप डिज़ाइंस देखें और इन्जॉय करें, ये देख रहे हैं ना सब फुल कंस्ट्रक्शन है, मैं व्लॉग भी मुझसे नहीं बन रहा था तो बस मैंने थोड़ा सा बनाया, चले मैंने कहा जितना बन जाएगा। ये बैंगल्स, अब यहाँ पर ये कड़े रखे हुए हैं, ये ब्रेसलेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, बिल्कुल नफीस से ना तो अच्छा लगता है देख के। ये चैने भी हैं, नहीं सॉरी ये ब्रेसलेट्स हैं सारे, ये लॉकेट्स हैं, और पीछे आपको सेट भी रखे हुए हैं कैजुअल वेयर करने के लिए, आप कहीं जा रहे हैं तो पहन के जाएं। और ये सब लॉकेट्स हैं, ऊपर सेम वही चैने हैं और इयररिंग्स हैं, ये सेट हैं बड़े शादी वगैरह पे पहनने के लिए। ये रिंग्स हैं, मैं आपको जूम करके भी डिज़ाइंस दिखाऊंगी कि किसी को पसंद आए तो ले ले। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि अगर किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आए तो आप मुझे बताएं, मैं कैप्चर करके आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग वैसे बनवा लें। ये रिंग्स देखें जनाब, बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइंस रिंग्स के, बहुत अच्छे अच्छे नफीस से, नफीस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर गोल्ड, मैंने ये चीज़ डिज़ाइंस बहुत नफीस होते हैं स्पेशली रिंग्स के एंड ब्रेसलेट्स वगैरह के, तो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। इधर भी हैं बहुत अच्छे अच्छे यूनिक से डिज़ाइंस,
ये भी हैं जनाब, तो मैं जितना कैप्चर कर सकी वो मैंने आपके लिए कैप्चर किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया यहाँ से। एक्चुअली मैं लेने आई थी अपनी बेटी के लिए एयर रिंग्स, तो पहले उसने टॉप्स पहने हुए थे, वो टॉप्स उसे उसकी नानी माँ ने दिए थे, तो अब वो थोड़े बड़े हैं तो वो ना कपड़ों में अटक जाते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चले मैं चेंज करती हूँ। बस उसके लिए मैंने यहाँ से छोटी साइज़ की जौन सी थी वो एयर रिंग्स ली थी, अच्छी मिल गई लेकिन काफ़ी मतलब महंगी तो थी। तो बस यहाँ से निकल के फिर हम लोग बाहर आ रहे थे। तो ये है जनाब अबायाज़ हैं, तो आप लोग ये डिफरेंट अबायाँ हैं, ये आप लोग देखें। आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।